आप मुझे 11 सांसद दीजिए, मैं आपको 36 दूंगा। ये वादा किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ के लोगों से किया था। साल था 1999, दिन मकर संक्रांति का। देश में लोकसभा का चुनावी माहौल अपने चरम पर था। अटल बिहारी वाजपेयी रायपुर के ऐतिहासिक सप्रशाला मैदान पहुंचे, जहां हजारों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए मौजूद थी। भीड़ का मन टटोलते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आप मुझे 11 सांसद दीजिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। अटल की बात सुनते ही भीड़ ने ऐसी हुंकार भरी कि उसकी गूंज दिल्ली तक जा पहुंची, क्योंकि इसी दिन छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की अंतिम पटकथा की स्क्रिप्ट तैयार हो गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ रजत जय त्रिपाठी। सियासी किस्से में आप सभी का स्वागत है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को लेकर 1965 से ही आंदोलन शुरू हो गया था, जब आचार्य नरेंद्र दुबे ने छत्तीसगढ़ समाज की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने का था। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर डॉक्टर खूबचंद बघेल और विद्याचरण शुक्ल सरीखे नेताओं ने भी आंदोलन किया। विद्याचरण शुक्ल की गूंज दिल्ली तक पहुंची। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी को सत्ता में वापसी लाने के लिए चुनावी संघर्ष कर रहे थे। विद्याचरण शुक्ल की डिमांड से वाजपेयी वाकिफ थे। उन्हें पता था कि यही मौका है जब छत्तीसगढ़ को लेकर उनकी संवेदना बीजेपी के लिए संजीवनी का काम कर सकती है। यही वजह है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी रायपुर रैली करने पहुंचे तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में वादा किया, तो साथ ही आशीर्वाद भी मांग लिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आप मुझे 11 सांसद दीजिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ दूंगा। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि अटल जी का यह वाक्य छत्तीसगढ़ राज्य के गठन में पत्थर की लकीर बन जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की सियासत को करीब से जानने वाले सियासी पंडित मानते हैं कि वाजपेयी बहुत सोच समझकर वादा करते थे। इसके अलावा उनका दृष्टिकोण काफी व्यापक था। दरअसल 1990 में ही अटल जी ने तय किया था कि उन्हें छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बनाना है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जाती है कि उन्हें छत्तीसगढ़िया आदिवासी संस्कृति और वन संपदा से काफी लगाव था। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वह हमेशा छोटे राज्यों के हिमायती थे। उनका मानना था कि बड़े राज्यों में शासन प्रशासन की पहुंच सुदूर इलाकों तक सीमित रहती है, जिसकी वजह से उन जगहों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है और वे राज्य के जो छोटे हिस्से होते हैं वे पीछे रह जाते हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों से अटल बिहारी वाजपेयी ने वादा किया तो राज्य के लोगों ने भी उन्हें चुनाव में खूब प्यार लुटाया। नतीजों में बीजेपी के 11 में से 10 सीटों पर जीत मिली, जबकि केंद्र में बीजेपी की सरकार बन गई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद अटल जी को छत्तीसगढ़ के लोगों से अपना किया वादा याद था। उन्होंने कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रामचरितमानस की इन लाइनों को अटल जी ने चरितार्थ किया और उनकी सरकार की अगुवाई में 31 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में और 9 अगस्त को राज्यसभा में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगी। 4 सितंबर सन 2000 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन के बाद 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के साथ ही अटल जी की प्रतिज्ञा पूरी हो गई, लेकिन उनका लगाव कभी छत्तीसगढ़ से कम नहीं हुआ। राज्य के गठन के बाद कांग्रेस के अजीत जोगी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने, लेकिन अटल जी का व्यक्तित्व दलगत राजनीति से काफी ऊपर था। वह बराबर अजीत जोगी का हालचाल लेते रहते और उनसे राज्य के विकास के बारे में चर्चा करते। वही जब सन 2003 में रमन सिंह राज्य के मुख्यमंत्री बने तो अटल जी ने उन्हें भी अपना आशीर्वाद दिया और राज्य के विकास के लिए मार्गदर्शन भी किया। छत्तीसगढ़ गठन के बाद सन 2003 में पहली बार विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी की कमान संभाली और नवंबर 2003 में चुनाव प्रचार के लिए अंबिकापुर पहुंच गए, जहां उन्हें सुनने के लिए रिकॉर्ड संख्या में लोग पहुंचे थे। अटल जी को सुनने के लिए 1 लाख से अधिक लोग पहुंचे। जब नतीजे आए तो बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के वर्चस्व वाली सरगुजा की 8 सीटों में से बीजेपी ने
साथ पर कब्जा जमा लिया। राज्य गठन के बाद पहले ही चुनाव में बीजेपी की सरकार बन गई। आप कह सकते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो उसके असली सूत्रधार अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उनकी वह प्रतिज्ञा जिसे आज भी छत्तीसगढ़ के लोग याद करते हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उसी साल उत्तराखंड और झारखंड को भी अलग राज्य बनाया। तो सियासी किस्से में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और सियासी किस्से के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।